वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा खैरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे स्लेवरी वगैरह। जो चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि स्लेवरीज बहुत ज़्यादा प्रचलन थी आपकी गुप्ता पीरियड में, अच्छे खासे स्लेवरी का प्रचलन था। हमने ये भी देखा था कि जो आपकी सती प्रैक्टिस का पहला जो एग्जाम्पल था वो आपकी गुप्ता पीरियड में ही आया था, ठीक है। अब आज स्टार्ट करेंगे हम लैंड रेवेन्यू से। इन द गुप्ता पीरियड द किंग वॉज द ओनर ऑफ द लैंड, ही यूज टू टेक 1/6 to 1/4 ऑफ द लैंड प्रोडक्शन, इट वॉज कॉल्ड भाग। अब एक टर्म है ये जो भाग है ना, जो टर्म है भाग, ये कई बार लोग मिसकंसेप्ट कर जाते हैं। पर भाग का मतलब क्या है, जो इंसान कर देता था ना उस टाइम पे, कर यानी टैक्स जो पे होता था लैंड प्रोडक्शन से, उसको क्या बोला जाता था, तब भाग बोला जाता था, ठीक है। तो भाग क्या था, जो कर था, जो लैंड प्रोडक्शन का आपका टैक्स था जो किंग को देते थे, वो 1/6 था या 1/4 था, मतलब ऐसे रिलाई करता था। पर इस चीज को, इस कर को, इस टैक्स को क्या बोलते थे, भाग। तो इतना 1/6 to 1/4 जो है किंग को कर दिया जाता था, टैक्स देता था लैंड प्रोडक्शन का। लैंड का हेड कौन होता था, ओनर कौन होता था गुप्ता पीरियड में, किंग होते थे, ठीक है। टू अदर टैक्सेस उद्रंग एंड उपारिकर आर मेंशन इन द गुप्ता रिकॉर्ड्स। अब उद्रंग क्या है या उपारिकर क्या है, दोनों ये अलग अलग तरीके के क्या है, टैक्सेस है। उद्रंग वॉज अ लैंड टैक्स इम्पोज ऑन परमानेंट टीनेंट्स, फॉर उपारिकर वेयर टैक्स ऑन टेम्परेरी फार्मर्स। उद्रंग और उपारिकर एक तरीके से दोनों क्या है, फील्ड से रिलेटेड टैक्स रिलेटेड, सॉरी लैंड से रिलेटेड टैक्सेस है, पर उपारिकर क्या है, टेम्परेरी फार्मर्स को दिया जाता था, और उद्रंग जो है ये परमानेंट टीनेंट्स को दिया जाता था। फार्मर्स कुड पे द टैक्स थ्रू सेरल्स विच दे कल्टिवेटेड और बाई कैश, मतलब फार्मर्स किसी भी तरीके से अपना टैक्स पे कर सकते हैं। आज भी ये चीज चलती है, लोग अपना खेत जुतवाने को दे देते हैं तो सबके कुछ हिस्सा जो अनाज का होता है वो जुतने वाला रख लेता है, बाकी आप जिसका खेत हो उसको दे देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ओनर कौन है, किंग है। तो जो भी फार्मर उसका क्या करता था, उसमें उगाता था, खेती करता था, या तो वो सीरियल के रूप में जो उगाया है उसके रूप में अपना टैक्स पे कर सकता था, या फिर वो कैश में दे सकता था, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लैंड, क्षेत्र, कल्टिवेबल लैंड, वस्तु, लैंड टू मेक हाउसेस, गोचर क्या था, पैस्चर लैंड, टसल द लैंड दैट वाज नॉट प्लॉक्ड, अप्रहार अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड, और अपराधा डिस्प्यूटेड लैंड। ये सारे क्या थे, लैंड्स, टाइप्स ऑफ लैंड, जमीनें कैसे होती थी। फिर टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू नारदा, नारदा क्या स्मृति है, तो अधखिल लैंड दैट हैज नॉट बीन कल्टिवेटेड फॉर 1 year, खिल क्या है, जिसको जिसपे कल्टीवेशन पिछले 3 सालों से नहीं हुई। अब वन क्या है, जिसको 5 या नहीं उससे भी ज्यादा साल से क्या हुआ हो, उसपे कल्टीवेशन ना हुआ हो। अकॉर्डिंग टू अमरकोश द मैक्सिमम 12 टाइप्स ऑफ लैंड आर मेंशन्ड, लैंड रिलेटेड रूल्स। अब क्या है, मैक्सिमम आप एक देखेंगे वन, किसी को फॉरेस्ट कब घोषित कर दे, जब एक तरीके से उसमें 5 साल से भी ज्यादा, 5 साल या उससे ज्यादा से कल्टीवेशन ना हो। खिल क्या है, 3 साल हो गया, और अधखिल क्या है, 1 year। अब आ जाते हैं 6 terms related to land holding system are found in the Gupta records. निवि धर्म, निवि धर्म का मतलब क्या, that means the land will always remain unchanged. फिर अक्षनिवि धर्म, that means the land which does not get degraded, जो कभी degrade ही रहा, हमेशा fertile रहे, उसका जो quality है land का, जमीन का, वो हमेशा maintain रहे। फिर आता है निवि धर्मक्ष, the land that has also the right to be given to another, जिसको आप किसी और को भी दे सके। फिर आता है अपर द धर्म, ये क्या है, द पर्सन हु गेट्स द लैंड बाई ग्रांट कैन नॉट डोनेट दिस लैंड टू एनी अदर पर्सन, मतलब जिसको वो क्या मिली हो, एक तरीके से ग्रांट में मिली हो और वो किसी और को उस लैंड को नहीं दे सकता है, किसी और को डोनेट नहीं कर सकता है। फिर आता है अपराध निवि धर्म, कैन नॉट डोनेट द लैंड विच इज रिसीव थ्रू डोनेशन, ये भी सेम ही है। फिर आता है भूमि सिद्रनया, This type of land cannot be sold. इस तरीके की आप जमीन को क्या कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। Only the items buried on the land can be possessed by the kings. इसके अंदर जो भी आइटम बरीड हैं वो जो है राजा के द्वारा यूज कर सकते हैं, पर ये लैंड आप किसी को बेच नहीं सकते। In the Gupta period, the interest received from the loan is called corrupt or Krishna money. जितना भी interest एक लैंड से जमीन से आता था उसको क्या बोलते थे, Krishna money या corrupt. In this period, the equitable interest was 15%. And the overseas trade rate interest rate was 20%. अब ये चीज याद कर लीजिए, ठीक है, equitable interest क्या था, 15%, और overseas trade का जो interest है, interest rate था, वो 20% था, कब, गुप्ता period में। मानु एंड नारदा हैव डिस्क्राइब 4 types of monetary interest,
ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल ग्रुप्स वे कॉल्ड श्रेणीज. मेनी वर्ड्स वे यूज फॉर द कैटेगरी सच एज कुल, पग, निगम, निकाय, संगठन, समूह एक्सेट्रा. यह हमने क्या देखा है, बेसिकली पूरी तरीके से हमने लैंड रेवेन्यू को डिटेल में देखा है, किसका, गुप्ता पीरियड का. ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए. और अभी तक अगर आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.